नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं तृप्ति लेकर ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है दबंग खान। वह दबंग हीरो से सभी के बीच सुपरस्टार मेगा स्टार बन चुके सलमान खान फिर से एक बार नजर आएंगे दबंग किरदार के साथ। वह सही सुना आपने, गुड न्यूज ये है कि दबंग खान फिर से दबंग के तीसरे सीक्वल को लेकर फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लौटने वाले। इसे लेकर गुड न्यूज सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से मिली है। जी हाँ, सोनाक्षी ने स्टेटमेंट दिया है दबंग खान को लेकर, सलमान खान के साथ फिल्म दबंग 3 में दबंग हीरोइन बनने को लेकर। क्या कहा है सोनाक्षी ने ये तो हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दे आज के इस प्रोग्राम दबंग खान स्पेशल को लेकर मैं आई हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ बात दबंग 3 की नहीं बल्कि होने वाली है दबंग हीरो सलमान खान की अपकमिंग और भी मूवीज को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर, उनके गेस्ट अपीयरेंस को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने, गेस्ट अपीयरेंस। सलमान खान फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं, जिसमें बॉबी देओल, सनी देओल और साथ में ही मैन यानी कि धर्मेंद्र नजर आएंगे। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दबंग खान की फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से लेकर भारत और अब दबंग 3 कितना धमाल करने वाली है और किस तरह ये फिल्म एकाएक बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना नाम दर्ज कराने वाली है। वहीं हम आपको ये भी बताएंगे कि सलमान खान हाल ही में माल्टा में अपनी फैमिली के साथ, अपनी मामा सलमा के साथ खूब एंजॉय करने के अलावा अपने स्टार्स के बीच किस अंदाज में नजर आए, शूटिंग शेड्यूल्स के साथ साथ किस अवतार में वो भारत में नजर आएंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट्स की तरफ। ये तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में जब भी बात बार्बी डॉल कटरीना कैफ की होती है तो सबसे पहले नाम उनके सबसे जिगरे दोस्त सलमान खान का सामने आता है। सलमान के होते हुए कटरीना कैफ का बाल विवाह का कोई बॉलीवुड में नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ सलमान का साया हमेशा ही रहेगा, उनका प्यार, उनकी फिक्र हमेशा रहेगा। आपको बता दें सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आएंगी कटरीना। ऐसे में जो नई खबर है वो ये है कि अपनी एक और फिल्म को लेकर कटरीना चर्चा में आ चुकी है। वेल, वो खबर है फिल्म ABCD 3 को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, ये रूमर खबरें खूब चर्चा में थी कि वरुण धवन के साथ कटरीना फिल्म ABCD 3 में नजर आएंगी। दोनों ने स्टेज परफॉर्मेंस कई बार दिया है और दोनों के रोमांटिक तस्वीरें भी कई बार सामने आ चुकी है स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान। ऐसे में वरुण धवन जो कि बॉलीवुड के अगले सलमान भी कहलाते हैं, जिस तरह सलमान खान के जरिए ही वो तमाम फिल्मों में जबरदस्त अपने अंदाज को पेश कर चुके हैं, फिर चाहे वो उनकी विदेशाल रिलीज हुई फिल्म जुड़वा 2 ही क्यों ना हो। ऐसे में सलमान खान को पीछे छोड़ने के लिए वरुण उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरत को स्टार कटरीना कैफ के प्यार में खुद को ABCD 3 में दिखा सकते हैं। इसमें सलमान खान के साथ उनके जबरदस्त भिड़ंत की खबरें भी आ रही है। जी हाँ, ये तो हमने आपको बताया ही कि वरुण धवन और कटरीना कैफ नजर आएंगे ABCD 3 में, ये खबरें थी। तो वही खबरें थी कि वरुण धवन स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकते हैं। वल बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के नक्शे कदम वरुण धवन चल रहे हैं कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह सलमान फिल्म के स्क्रिप्ट को चेंजेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, ऐसे वरुण धवन का उसी नक्शे कदम चलना हैरान करने वाली बातें तो है। तो वहीं आज हम आपको बता दें सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच में दरार पत्नी सोनाक्षी सिन्हा कैसे बन गई। वल पत्नी की बात इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि रज्जो है सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान की। वल, सही सुना आपने, रॉबिन हुड पांडे उर्फ चुलबुल पांडे की पत्नी रजो वल दबंग फिल्म से दबंग 2 और अब दबंग 3 में नजर आएगी ये जोड़ी। पति पत्नी के रूप में सलमान और सोनाक्षी को देखेंगे आप। इसे लेकर खुद सोनाक्षी ने कई खुलासे किए हैं। दबंग 3 की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा, जिसमें सलमान खान फिर से रॉबिन हुड पांडे के किरदार में नजर आएंगे। तो वहीं इस फिल्म में देखेंगे आप काफी कुछ जबरदस्त टैलेंट दिखाया जाएगा। 7 साल के गैप के बाद इस फिल्म में एक अलग ही रूप नजर आएगा सलमान खान का। सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान जिन्होंने दबंग और दबंग 2 में साथ काम किया,
अब सोनाक्षी सिन्हा फिर से चुलबुल पांडे की वाइफ रज्जू के रूप में नजर आएगी। इसे लेकर उन्होंने कहा है, यस दबंग थ्री विल नाउ रोल बाय इयरन प्रभु देवल डायरेक्टेड एंड आई कांट वेट टू गेट बैक टू दैट स्पेस द स्टनिंग ब्यूटी फॉर द एड चुलबुल इज कम इनकम्प्लीट विदाउट रज्जू सो आई विल डेफिनेटली बी देयर। सलमान खान उनके बिना इनकम्प्लीट है फिल्म दबंग 3 में, ये कह रही हैं सोनाक्षी। भाई कटरीना सलमान जो भारत में नजर आ रहे हैं उनके बीच दरार, सोनाक्षी सिन्हा पत्नी बनकर दबंग 3 की रज्जू बनकर लेकर आएंगे क्योंकि फिल्म की शूटिंग आने वाले सितंबर के महीने में शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ इंडियन सिटी गाजियाबाद में फिल्म की शूटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि माल्टा में फिल्म भारत के शूटिंग के बीच शूटिंग शेड्यूल छोड़कर सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग शुरुआत करते हैं तो कटरीना से उन्हें किस तरह से दूरियां बनाते हुए देखा जाएगा। वो आगे में दिलचस्प होगा देखना कि सोनाक्षी कटरीना दोनों को समय देते हुए फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त सलमान दोनों ही अभिनेत्रियों के बीच क्या वाकई में खटास लेकर आने वाले हैं। सोनाक्षी सिन्हा फिर से सलमान खान की पत्नी के रूप में नजर आएंगी फिल्म दबंग 3 में, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे खुद कबूल किया है सोनाक्षी सिन्हा ने। तो देखना होगा ये जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर कितना धमाल करती है। जैसा कि आप भी जानते हैं दबंग फिल्म और दबंग 2 को काफ़ी पसंद किया गया और चुलबुल पांडे के किरदार से सलमान खान को काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। एक ज़बरदस्त कमबैक रहा उनका और बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर उनकी फिल्मों में दबंग से जुड़ी दोनों ही फिल्में उनके हिट साबित रही। तो ये था दबंग खान स्पेशल आज का हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर। इसी के साथ हमने आपको बताया फिर वो कटरीना हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, जैकलिन फर्नांडिस हो या फिर क्यों ना हो उनकी एक्स एक्ट्रेसेस, सबके साथ साथ सलमान खान की बॉर्निंग बड़े पर्दे पर जबरदस्त तरीके से सामने आने वाली है। हमने आपको बताया दिशा पटनी और साथ में नोरा फतेही भारत में होंगी सलमान के साथ। वाकई में ये मौका है दिशा और नोरा के लिए कि सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने फिल्मी सफर को एक नई उड़ान दे। ये मौका है उन एक्ट्रेसेस के लिए जो कि सलमान खान के साथ काम करने का सपना सच होकर बैठी हुई है। वेल, वो मौका है फिर से बॉलीवुड की बारबी डॉल कटरीना कैफ के पास कि वो खुद को सबसे बेहतरीन को स्टार सलमान खान के लिए साबित करके दिखाए, क्योंकि टाइगर जिंदा है में वो अली अब्बास जफर के साथ नजर आई और अली अब्बास जफर की इस फिल्म में टाइगर जिंदा है में कटरीना और सलमान की बॉन्डिंग सबने पसंद की। ऐसे में बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ी में फिर से भारत के ये नए जोड़ी यानी कि सलमान कटरीना को किस तरह पसंद किया जाएगा, इससे जुड़ी हमने आपको रिपोर्ट दे दी है। कटरीना के लिए चैलेंज है कि प्रियंका को साइड कर अगर वो इनकी जगह ले रही हैं सलमान की जिंदगी में फिल्म भारत के जरिए, तो देखना होगा कि वाकई में बिग स्टार प्रियंका चोपड़ा को साइड करने का फैसला अली अब्बास जफर का कितना बेहतरीन सफल हुआ, कितना बेहतरीन साबित हुआ, जिसमें हाथ कटरीना कैफ का होने वाला है क्योंकि कटरीना के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग फिल्म होने वाली है फिल्म भारत। देखते हैं अब कटरीना का जो लुक सामने आया है इसके बाद किस तरह भारत में सलमान खान के साथ वो जोड़ी पूरे भारत में धमाल करने वाली है। जी हाँ, पूरे इंडिया में हर किसी के जहन में सिनेमा घरों में किस तरह दस्तक देगी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मूवी बनकर, इसका इंतजार रहेगा ईद के मौके तक का। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और सब साथ में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।